एक टू डायमेंशनल बॉडी है और इसकी सॉरी ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है। हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमें केवल इसकी लेंथ और विड्थ दिख रही है। मान लीजिए इसकी सीडी वाली सरफेस पे इट विल बी अ सरफेस, हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको एरिया से डिवाइड कर रहे हैं सपोज इस तरीके से, तो ये हो जाएगा टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस ऑन द सरफेस सीडी, और इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं टाउ। तो अब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन बॉडी को एक कपल मिल रहा होगा, जैसा जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टाउ की डायरेक्शन राइट वार्ड और ये टाउ की डायरेक्शन लेफ्ट वार्ड है। तो इस बॉडी पे एक कपल जनरेट हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस कपल को बैलेंस करने के लिए हम मान लीजिए बॉडी की बाकी दोनों सर्फेसिस पे कुछ इस तरीके से शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ये जो कपल बन रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो हम इस तरीके से एक शियर स्ट्रेस यहां पे सपोज टाउ डेस और एक शियर स्ट्रेस यहां पे अप्लाई कर रहे हैं टाउ डेस। तो दिस टाउ डेस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो टाउ डेस कपल प्रोड्यूस कर रहा है वो टाउ के कपल के बराबर होना चाहिए, देन ओनली दिस बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम। सो अगर हम कैलकुलेट करें कपल बाई अप्लाइड शियर स्ट्रेस टाउ, तो इट विल बिकम कपल की वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डीसी इंटू वन। मान लीजिए हम इस जो बॉडी है उसकी थिकनेस को यूनिट या वन लेके चल रहे हैं, तो डीसी की जो लेंथ होगी उसमें अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये हो गया टाउ इंटू डीसी इंटू वन और इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो या तो ये डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस, कोई एक डिस्टेंस अगर मान लीजिए हम बीसी लेके चल रहे हैं तो दिस इज द कपल बाई टाउ और दिस शुड बी इक्वल टू कपल वाई टाउ डेस। टाउ डेस का कपल हो जाएगा टाउ डेस इंटू बीसी सपोज इंटू वन और इंटू आइदर ए बी और सी डी, हम मान के चल रहे हैं ए बी। सो फॉर इक्विलिब्रियम टाउ डी सी इंटू बी सी इक्वल टू टाउ डेस बी सी इंटू ए बी, और जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, सो दैट्स वाई टाउ डेस इक्वल टू टाउ, और दिस टाउ डेस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी बॉडी की दो अपोजिट पैरेलल सर्फेसिस पे कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें बाकी दोनों सर्फेसिस पे भी उसी के इक्वल एक शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा जो और जिसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। नाउ सपोज किसी बॉडी पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लग रहा है इस तरीके से, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और इस कंडीशन को जब बॉडी की सरफेसेस पे जितनी भी उसकी सरफेस हैं उन पे सिर्फ शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर का मतलब ये हुआ कि बॉडी पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, बॉडी पे सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। अब अगर बॉडी पे प्योर शियर की कंडीशन है तो हम देखें जरा क्या होगा। इस बॉडी के दो डायगोनल होंगे, एक एसी और एक डीबी। तो एक ये जो फोर्स लग रहा है टाउ, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन के अलोंग, उसके बाद इसका और इसका रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन के अलोंग, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा लाइक दिस, और इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा लाइक दिस। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई बॉडी प्योर शियर की कंडीशन में होती है तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसके दोनों डायगोनल में एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे होंगे। तो ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये तो डायगोनल बीडी के लिए नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, और यहां पे ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये डायगोनल एसी के लिए नॉर्मल स्ट्रेस का काम करेगा।
और जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक डायगोनल में डेवलप हो रहा है कंप्रेसिव, यहां पे बीडी वाले डायगोनल में कंप्रेसिव और एसी वाले डायगोनल में टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो प्योर शियर की कंडीशन की वजह से बॉडी के एक डायगोनल में नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरे डायगोनल में नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और अगर ऐसा होगा तो जो एसी वाला डायगोनल होगा उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और जो बीडी वाला डायगोनल होगा उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। सपोज दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्ट ए सी डी, और अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो हम ये बोलेंगे कि इस टाउ और इस टाउ का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में उसके इक्वल ये फोर्स होना चाहिए जो कि सिग्मा एन की वजह से लग रहा है। तो अगर हम बात करें सपोज ये बॉडी स्क्वायर से बॉडी है जिसकी सारी डायमेंशन जो है वो एल के बराबर है, तो ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू एल, और मान लीजिए इसकी थिकनेस यूनिट है, यूनिट मीन्स वन, इसकी थिकनेस वन के बराबर है, तो जो फोर्स सी डी के लॉन्ग लग रहा होगा लाइक दिस इट विल बी टाउ इंटू एल इंटू वन, क्योंकि फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू थिकनेस वन, और इधर जो फोर्स लग रहा है ए डी के लॉन्ग ये भी हो जाएगा टाउ इंटू एल इंटू वन। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये हो जाएगा रूट टू टाउ एल, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो फोर्स जिनकी वैल्यू बराबर हो और दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट होता है एफ रूट टू। ओके, अब ये जो सिग्मा एन जिस सरफेस पे लग रहा है ये एसी वाली सरफेस पे लग रहा है इसकी लेंथ हो जाएगी एल रूट टू बिकॉज दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और सिग्मा एन जो फोर्स सिग्मा एन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा सिग्मा एन इंटू एल रूट टू इंटू वन। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी रूट टू टाउ एल शुड बी इक्वल टू सिग्मा एन इंटू एल रूट टू, और यहां से हमें मिलेगा दैट सिग्मा एन इक्वल टू टाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी प्योर शियर की कंडीशन में होती है तो उसके डायगोनल में जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है वो बॉडी पे अप्लाई होने वाले शियर स्ट्रेस के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करें डायगोनल एसी में डेवलप होने वाले स्ट्रेन की, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एसी में डेवलप हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेस, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन होगा ये दैट विल बी टाउ अपॉन ई, सॉरी इट विल बी सिग्मा एन अपॉन ई। साथ ही साथ जैसा कि हम देख रहे हैं बीडी में कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से भी जो डायगोनल एसी होगा उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जो बीडी का नॉर्मल स्ट्रेस है वो एसी में लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, तो इट विल बी म्यू टाइम्स सिग्मा एन अपॉन ई, और जैसा कि हमने देखा म्यू सिग्मा एन इक्वल टू टाउ, तो यहां से ई हमें मिलेगा टाउ अपॉन ई वन प्लस म्यू। सो इतना स्ट्रेन डायगोनल एसी में डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट ये वाली है यहां से हम समझेंगे। अगर कोई टू डायमेंशनल बॉडी है मान लीजिए उसकी लेंथ एल है और विड्थ बी है, और अगर लेंथ के अलोंग कोई फोर्स लगेगा और एक फोर्स थिकनेस के अलोंग लगाएंगे मान लीजिए ये थिकनेस टी है, तो जो लेंथ में लग रहा है ये लेंथ को तो इंक्रीज कर ही रहा है साथ साथ विड्थ को डिक्रीज कर रहा है, और लेंथ के इंक्रीज होने के लिए इसकी वजह से डेवलप होने वाला